हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक उसी क्लास फिफ्थ का नेक्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। डिजिट डिजिट क्या होता है? कोई भी नंबर आप पढ़ते हो, 5, 4, 2, 3, 6, सपोज ये एक नंबर लिया हमने, तो डिजिट क्या होते हैं? 6 इज़ अ डिजिट, 3 इज़ अ डिजिट, 2 इज़ अ डिजिट। ओके, जो अलग अलग नंबर्स होते हैं उन्हें हम डिजिट बोलते हैं। नाउ सी, एवरी डिजिट इन अ न्यूमरल हैज़ टू वैल्यूज। न्यूमरल मीन्स दिस नंबर। ओके, एवरी डिजिट इन अ न्यूमरल हैज़ टू वैल्यूज। कौन सी दो वैल्यूज होती हैं? फर्स्ट वैल्यू इज फेस वैल्यू एंड सेकेंड इज प्लेस वैल्यू, या फिर हम इसे लोकल वैल्यू भी कहते हैं। ओके, नाउ सी, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। मतलब कि प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो भी डिजिट की पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में उसकी जो पोजीशन होती है कहाँ पर? प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में जो भी उसकी पोजीशन होती है, जो वो पोजीशन लेता है, ऑक्यूपाई करता है, उसे ही प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू किससे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू इन टू वैल्यू ऑफ द प्लेस। ठीक, फेस वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट थिंग इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी नंबर में उस नंबर की वही वैल्यू हो जाएगी। सपोज सी, दिस इज़ अ नंबर 725, तो इसमें फेस वैल्यू अगर हम टू डिजिट की पूछें तो टू डिजिट की फेस वैल्यू टू ही रहेगी। ओके, हमेशा जो भी नंबर होगा, सपोज 7 की अगर आपको फेस वैल्यू बतानी है तो फेस वैल्यू 7 की 7 ही रहेगी और 5 की 5 ही रहेगी। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला दिया है फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो फेस वैल्यू तो उस नंबर की वही रहती है, और वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या होगा? हमने पढ़ा है कि टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यही सारी वैल्यूज होती है ना। नाउ सी, मैंने अभी आपको प्लेस वैल्यू का बोला है, वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट आप पढ़ चुके हो ना, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स वाला, तो ये तो आपके पीरियड्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लेस क्या होगी? वंस, टेंस, हंड्रेड, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। सपोज सी, 6 की प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है? 6 की, तो 6 1 लाख पे है। ठीक है, वैसे ही वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ नंबर 8 की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेस? तो ये उसके प्लेस वैल्यू चार्ट में 1 करोड़ है। तो आपको ये चीज़ मेमोराइज कर लेनी है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। एक चीज़ और आप याद कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, वो ये है, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये आपका मैंने अभी प्लेस, ये नंबर्स हैं वो रीड नहीं किया है। यहाँ पर आपने जो भी प्लेस वैल्यू चार्ट में पहला तो टेंस आपने पढ़ा, वंस में तो वही नंबर आ जाएगा। देखिए, वंस में वही, अगर टू का आता है तो टू ही रहेगा, बट अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में टेंस की बात आती है तो उसमें 1,0 आएगा। कोई भी नंबर अगर टेंस की प्लेस पे, आपने पढ़ा है 10, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं 10 इज 10, 1,0 होता है, 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, 1,000 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि, हाँ सॉरी, 1,000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, कोई भी नंबर अगर टेंस में है, टेंस की प्लेस पे है तो उसमें 1 ज़ीरोज़ हैं, 100 की प्लेस पे है तो उस नंबर के बाद आप 2 ज़ीरोज़ लगा दो, 1,000 में 3 ज़ीरोज़ लगते हैं, 10,000 में 4 ज़ीरोज़ लगते हैं, लाख में 5 ज़ीरो। अगर हम 1 लाख पढ़ते हैं तो इट मीन्स उसमें 5 ज़ीरो हैं, 10 लाख पढ़ रहे हैं इट मीन्स उसमें 6 ज़ीरो हैं, करोड़, कोई भी नंबर करोड़ की प्लेस पे है इट मीन्स उसमें 7 ज़ीरो हम लास्ट में लगाएंगे, और 10 ज़ीरो, 10 करोड़ में 8 ज़ीरो होते हैं। ओके, तो ये चीज़ अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। नाउ सी, अब हम लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके सी, नाउ सी, ये एग्जाम्पल है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 डिजिट इन 327532, ये नंबर आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 7 की। ठीक है, तो 7 किस प्लेस पे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो अगर आपने याद कर रखा है तो लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो
इट विल बी वेरी इजी. सेवन के बाद में आप उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका हो गया 7 लाख. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, 7 की 7 लाख है. और इसको हम राइट कैसे करेंगे, इस तरह से. नाउ लेट्स सी विद अनदर एग्जांपल. ये सेकंड नंबर है, इसमें भी हमें 7 की ही प्लेस वैल्यू बतानी है. तो 7 कहाँ पर है, वंस पे, यहीं पर 7 है. और 7 ये पहला नंबर हो वंस पे होता है. वंस पे अगर नंबर है तो उसके साथ कोई ज़ीरो नहीं लगता, सिंपली वही नंबर आ जाएगा. तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7. ओके okay?